आज हम पढ़ेंगे ओरल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम ओरल, नाम से ही पता लग रहा है कि एक ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें हम वर्बली कुछ बोलते हैं। जैसे मैं अभी अपने आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ थ्रू वीडियोस, दो इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन राइट नाउ, ठीक है। सो एक वर्बल कम्युनिकेशन है, वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो जब भी वर्बल मैसेजेस इंटरचेंज होते हैं उनको हम बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन को हम बोल सकते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, सो इट इज ऑल्सो नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन। इट इज जस्ट द इंटरचेंज ऑफ वर्बल मैसेजेस। इट इज लाइक मोर ऑफ टॉकिंग देन राइटिंग, सो इट्स मोर टॉकिंग देन राइटिंग। जो ओरल कम्युनिकेशन होती है यूजुअली वो इनफॉर्मली होती है, बट अगर हम बिजनेस की बात करें तो उसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन भी होता है, बट बहुत लेस, लाइक यूजुअली रिटन में दिया जाता है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा है कि बिजनेस लेटर्स के बारे में, तो वो ज्यादातर उसी से कम्युनिकेट की जाती है, कन्वे की जाती है इन्फॉर्मेशन। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप अभी देख सकते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो यूजुअली वो इनफॉर्मल होती है, बट अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात की जाए तो आप एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं, जैसे कि मीटिंग्स होती हैं, बिजनेसेस की स्पीचेस होती हैं, वो भी एक फॉर्मल है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। उसके बाद ओरल कम्युनिकेशन में ये सिंपल सा डिफरेंस, सिंपल सी मीनिंग था। अगर हम देखें अपोजिट में नॉन वर्बल, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यही चीजें होंगी, जैसे कि अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्ड्स का इस्तेमाल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम हमारे जेस्चर्स को, हमारे साइन सिंबल्स, ये सारी चीजें यूज की जाती हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है थ्रू साइंस एंड सिंबल्स। अगर हम देखें तो जब भी हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारा कोई ना कोई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी साथ में हो रहा होता है। तो हम कह सकते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन बिना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के नहीं हो सकता। वर्बल कम्युनिकेशन कैन नॉट गो विदाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब ओरल कम्युनिकेशन में या ओरल प्रेजेंटेशन में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो उसको इफेक्टिव बनाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव ओरल प्रेजेंटेशन या फिर ओरल कम्युनिकेशन। तो ओरल प्रेजेंटेशन में क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, सबसे पहले तो प्रिंसिपल ये है कि जो भी ओरल प्रेजेंटेशन हो वो बिल्कुल वेल प्लान्ड हो। आपको पता हो कि आपको क्या चीज बोलनी है, कैसे बोलनी है, किस वे में बोलनी है, वो सब कुछ वेल प्लान्ड हो और उसकी प्रैक्टिस आपने पहले की हो, ठीक है। उसके बाद क्लियर प्रोनंसिएशन होना चाहिए, यानी कि आप जो भी वर्ड्स उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं उसका प्रोनंसिएशन एकदम सही होना चाहिए। तीसरी चीज आती है कि यहाँ पर जो भी आप कन्वे कर रहे हैं थ्रू ओरल प्रेजेंटेशन वो एकदम ब्रीफ होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए वर्ड होता है ब्रेविटी, यानी कि बिल्कुल ब्रीफ में बताएं आपका जो भी पॉइंट है। फोर्थ प्रिंसिपल है प्रिसाइज होना चाहिए, जो भी आप बोल रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिक होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। फिफ्थ प्रिंसिपल आता है कि आप जो भी चीज ओरल प्रेजेंटेशन में बोल रहे हैं वो अपनी नेचुरल वॉइस में बोले। आप किसी को कॉपी करने के चक्कर में या अपनी वॉइस को ना इस्तेमाल करते हुए कोई अननेचुरल वॉइस निकाल रहे हैं तो वो लंबे टाइम तक आप ओरल प्रेजेंटेशन में नहीं निकाल। सो इट शुड बी हैव योर नेचुरल वॉइस, देन इट मस्ट बी इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। यानी कि जो भी आप चीजें बोल रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि आपको पहले क्या चीज बोलनी है, लॉजिकल वे में उसको सेटअप होना चाहिए। देन यू मस्ट यूज सम सूटेबल वर्ड्स अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक। देन योर प्रेजेंटेशन मस्ट बी अट्रैक्टिव। यू मस्ट अवॉइड इमोशंस, कि मतलब जो भी आप ओरल प्रेजेंटेशन कर रहे हैं आप उसमें अवॉइड करें कि उसमें इमोशंस डालने का, क्योंकि प्रोफेशनली देखा जाए तो इमोशंस डालना इज नॉट सो प्रोफेशनल, राइट। सो वट एवर द ओरल प्रेजेंटेशन यू आर डूइंग, इट मस्ट हैव सम करेज, ठीक है। इट मस्ट बी बोल्ड, इट मस्ट बी स्ट्रांग, यू मस्ट बी वेरी एक्टिव वाइल टॉकिंग। सो इट मस्ट बी बोल्ड, strong, right, very courageous. So these are some principles of effective oral presentation. So now there are some factors that affect this oral presentation, right? So what are the factors? Like it must have a audience analysis. It means how audience analysis affect the oral presentation. समझ लीजिए आई एम गिविंग अ ओरल प्रेजेंटेशन। सो अगर मैंने अपना ऑडियंस का एनालिसिस सही नहीं किया,
आई मे गो इन सम फर्दर रॉन्ग एनालिसिस में जाती जाऊंगी एंड आई विल नॉट बी एबल टू प्रेजेंट द बेस्ट ऑफ मी राइट द बेस्ट ओरल प्रेजेंटेशन आई कैन गिव. सो ऑडियंस एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपकी ओरल प्रेजेंटेशन को अफेक्ट करता है. सेकेंड फैक्टर आता है कि जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका एनवायरमेंट क्या है. तो एनवायरमेंट भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है. उसके बाद फैक्टर लाइक पर्सनल अपीयरेंस भी बहुत अफेक्ट करता है. अगर आप प्रोफेशनली ड्रेस्ड अप हैं अगर आप तो आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहता है. ठीक है, तो कॉन्फिडेंस आपका तब आएगा जब आप बिल्कुल परफेक्टली ड्रेस्ड अप है. तो पर्सनल अपीयरेंस भी इफेक्ट करता है. उसके बाद अगर आप विजुअल का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी आपकी प्रेजेंटेशन में तो उसका भी फैक्टर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है क्योंकि हम यूजुअली हमारी जो आईज देखती हैं वो हमें ज्यादा अट्रैक्ट करती है देन वर्ड्स. तो विजुअल प्रेजेंटेशन भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है आपकी ओरल प्रेजेंटेशन को. उसके बाद आप कैसे आपकी प्रेजेंटेशन को ओपनिंग कर रहे हैं और क्लोज कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. सिक्स फैक्टर आता है जो भी आप लैंग्वेज यूज कर वो भी आपका इफेक्ट करेगा. सेवन चीज आती है कि आपकी प्रेजेंटेशन की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है. जैसे मैंने कहा कि सीक्वेंस में होना चाहिए, ये भी एक इफेक्टिव प्रिंसिपल होता है फॉर इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन. तो ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उसके बाद आपका फैक्टर आता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ वॉइस कैसी है. फैक्टर्स लाइक बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, द वे यू आर स्टैंडिंग, द वे यू आर टॉकिंग, द वे यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ अफेक्ट्स योर ओरल प्रेजेंटेशन. देन एट द एंड द फैक्टर्स लाइक टैकलिंग ऑफ द क्वेश्चंस, यानी कि अगर ऑडियंस में से जो भी क्वेश्चन आपसे कोई पूछा जाए आप उसको कैसे टैकल कर रहे हैं, कैसे आप उसको आंसर दे रहे हैं, ये भी अफेक्ट करता है. राइट, तो आई होप आपको ये ओरल प्रेजेंटेशन का सारा टॉपिक समझ आया हो. Thank you.